चैप्टर नंबर 4, एक कार मैकेनिक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 800 न्यूटन टू अ रेंच फॉर द पर्पस ऑफ लूजिंग अ बोल्ट. ही अप्लाइज द फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द आर्म ऑफ द रेंच. द डिस्टेंस फ्रॉम बोल्ट टू द मैकेनिक्स हैंड इज 0.4 मीटर. फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अप्लाइड. देखिए इधर फोर्स दी हुई है आपको 800 न्यूटन, थीटा 90 डिग्री है, एस है 0.4 मीटर. टॉर्क का फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ, यानी कि आर एफ साइन थीटा हो गया. आर 0.4 है, एफ 800 है, थीटा 90 ले लो, साइन 91 होता है. 0.4 को 800 और 1 से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर 320 न्यूटन पर मीटर. क्या निकालनी थी जनाब? टॉर्क निकालनी थी, जो कि आ गई 320 न्यूटन पर मीटर. बस ध्यान में रखो फार्मूला अच्छी तरह याद होना चाहिए, आर एफ साइन थीटा, और जब परपेंडिकुलर है तो थीटा ऑफ कोर्स 90 होगा और साइन 90 क्या होता है? 1 होता है. कह रहे ए कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेज अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 9 सेकेंड. If the distance of the wheel is 58 centimeter, find the number of revolution the tire make during this motion, assuming no slipping, and the final rotation speed of tire in the revolution per second. तो देखो ये होता है Fi0, Vi0, Vf22, T9 है, D जो है diameter 58 centimeter है, 0.58 meter हो जाएगा, radius 2 से divide कर लो 0.29 मीटर. नंबर ऑफ रेवोल्यूशन चाहिए और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी. देखो फाइनल रोटेशन स्पीड, रोटेशन का मतलब होता है स्पीड का मतलब डब्ल्यू एफ. अब देखो हमें पता है वी बराबर होता है वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू, 22 प्लस 0 अपॉन टू यानी 11 मीटर पर सेकेंड आ गई. अब ओमेगा होता है वी अपॉन आर, वी 11 है, आर 0.29, ये भी हमने निकाला बच्चों, डिवाइड कर लें 37.92 रेडियन पर सेकेंड. अब थीटा होता है ओमेगा इंटू टी, ओमेगा को टी से मल्टीप्लाई करते हैं 341.28 रेडियन. नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होती है थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा हमारे पास है 2 पाई की वैल्यू. नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ गई 54.3 रेवोल्यूशन. ओमेगा एफ होता है वी एफ अपॉन आर, 22 को 0.29 से डिवाइड करें 75.86 रेडियन पर सेकेंड. मज़ीद इसको 2 पाई से डिवाइड करते हैं तो 12 रेवोल्यूशन पर सेकेंड ये आंसर आ जाएगा.